हेलो दोस्तों। तो चलिए आज की वीडियो में आपको बताता हूँ कि दोस्तों अपने चेहरे के दाग धब्बों को कैसे आप दूर करेंगे। देखिए महिलाएं हो या पुरुष, सुंदर और साफ त्वचा हर कोई चाहता है दोस्तों, लेकिन प्रदूषण, अनियमित खानपान, भागती दौड़ती और तनाव से भरी जिंदगी का सीधा असर हमारे चेहरे पर नजर आता है। चेहरे पर एक्ने, दाग धब्बे आपकी सुंदरता को कम करते हैं, जिससे ना सिर्फ आपका आत्मविश्वास कम होता है बल्कि आप तनाव का शिकार भी हो सकते हैं। तो दोस्तों अपने टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, तो चलिए नुस्खा बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि अपने चेहरे से दाग धब्बों को कैसे दूर करें। और बहुत से लोगों ने कमेंट बॉक्स में पूछा था कि सर चेहरे के दाग धब्बों को दूर करने के लिए कोई नुस्खा बताइए, क्योंकि वो महंगे महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट्स का यूज कर करके थक चुके थे और काफी पैसे खर्च कर रहे थे, क्योंकि उनमें कॉस्मेटिक चीजें होती हैं, केमिकल्स होती हैं, जो कि हमारी स्किन को काफी नुकसान पहुंचाती है। तो चलिए नुस्खा बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें चाहिए हल्दी। देखिए हल्दी एंटीऑक्सीडेंट और एंटीबैक्टीरियल से भरपूर होती है, तो चुटकी भर हम इसमें हल्दी ले लेंगे। हल्दी में पिंपल्स पैदा करने वाले कीटाणुओं को मारती है। जिन लोगों की स्किन ऑयली होती है तो उनमें पिंपल ज्यादा देखे गए हैं, तो उनको रिमूव करने के लिए ये देखिए ऑयली स्किन वालों के लिए ये क्या है, बेसन। तो आप बेसन ले लीजिए एक चम्मच के लगभग। बेसन के जो खुदरे दाने हैं वह हमारे चेहरे से दाग धब्बों को हटाने का काम करेंगे। और होगा क्या कि जो बेसन एक प्राकृतिक होता है, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। अब देखिए इसमें हम तीसरी चीज जो लेंगे वह हम लेंगे चिक शैम्पू। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पास ये चिक शैम्पू है, तो चिक शैम्पू बालों के लिए जितना अच्छा रहता है हेयर फॉल के लिए, उतना अच्छा ये हमारे चेहरे से गंदगी को साफ करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। देखिए इसमें मैं पूरा ये चिक शैम्पू इसमें ले लूंगा। तो देखिए इस तरीके से हमारा अब इसमें हमने हल्दी, बेसन और चिक शैम्पू ले लिया है। अब इसमें हमें चाहिए गुलाब जल। देखिए गुलाब जल हमारे चेहरे से दाग धब्बों को रिमूव करने का बहुत ही अच्छा विकल्प है, क्योंकि गुलाब जल में ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि हमारे चेहरे को मॉइस्चराइज, हाइड्रेट और इसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज होती है। यानी कि आपकी उम्र से पहले ही त्वचा लटक रही है, चेहरे पर कसावट नहीं है, तो स्किन को टाइट, गोरा और भीगा करने के लिए गुलाब जल का प्रयोग कर देंगे। दोस्तों चलिए इसमें मैं आपको मिक्स कर लेता हूँ इसको गुलाब जल। तो देखिए इस तरीके से आपका ये फेस पैक बनके तैयार हो जाएगा, जिससे आप अपने चेहरे को साफ कर सकते हैं, चेहरे के दाग धब्बों को दूर कर सकते हैं, चेहरे के पिंपल्स को दूर कर सकते हैं। और हाँ, अगर आपके चेहरे पर झाइयां हैं तो उनको भी रिमूव कर सकते हैं, और आंखों के नीचे जो डार्क सर्कल बढ़ जाते हैं उनकी समस्या को भी आप दूर कर सकते हैं। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। आपको इसमें हल्दी की कमी मात्रा रखनी है, फिर नहीं तो आपका फेस ज्यादा पीला लगेगा। तो दोस्तों आपको देखिए इसमें शैम्पू हो गया और बेसन और हल्दी, और बेसन में ढेर सारे औषधि गुण होते हैं, विटामिन, मैग्नीशियम, जो कि हमारे चेहरे को पोषण देते हैं। तो चलिए हमारा ये नुस्खा बनके तैयार है। अब आपको अप्लाई कैसे करना है देख लीजिए। उंगलियों की मदद से जब आप ऐसे सर्कुलर मोशन में हल्के हल्के हाथों से ऐसे कर लीजिए आप, तो आपके चेहरे पर जो लाल लाल पिंपल्स के दाने होंगे वह सभी हटना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस तरीके से जब आप अपने चेहरे पर लगा लेंगे तो इसको आपको 10 मिनट तक ऐसे ही सूखने के लिए छोड़ देना है। जब आपका चेहरा सूख जाए फिर आपको करना क्या है कि आपको इस तरीके से अच्छे से लगा लीजिए, अपनी गर्दन पर भी लगा लीजिए। आपकी गर्दन काली पड़ जाती है, चेहरे का तो ख्याल हम रखते हैं लेकिन पीछे गर्दन हम भूल जाते हैं। तो इसको आप चेहरे से लेकर गर्दन तक आप इसको ऐसे लगा लीजिए और 10 मिनट तक आपको इसको ऐसे सूखने के लिए छोड़ दीजिए। तो उसके सूखने के बाद पानी से अपने चेहरे को और गर्दन को अच्छे से साफ कर लीजिए। तो दोस्तों अगर ऐसा आप हफ्ते में 3 से 4 दिन तक करते हैं तो आपका चेहरा बेहद ही गोरा, खूबसूरत और चमकदार हो जाएगा, और आपके चेहरे पर जो पिंपल्स, दाने, दाग धब्बे, झाइयां थी वह भी दूर हो जाएंगी। तो ये काफी जबरदस्त घरेलू नुस्खा मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप, फेसबुक पर, और ऐसे ही वीडियो आपके लिए और लाते रहेंगे। प्लीज कमेंट कर दीजिए आपको ये वीडियो कैसा लगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट वीडियो, आपसे मिलते हैं।